subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon. अरे यार, इस स्वेट पैच का क्या करूं मैं? इतना डिस्चार्ज हो रहा है यार, मैं कंफर्टेबल कैसे फील करूं? पीरियड्स के पहले भी मेंस्ट्रुअल कप स्टरलाइज करने की जरूरत है क्या? आई नो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे, तो आइए आज कुछ ऐसे हैक्स शेयर करते हैं जिनसे आप उन क्वेश्चंस को इजीली एड्रेस कर पाओगे। पहला है, टेक केयर ऑफ योर डिस्चार्ज बिफोर पीरियड्स। ये बहुत विमेन की कॉमन प्रॉब्लम है कि पीरियड्स के पहले उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, एंड वी ऑल नो हाउ इरिटेटिंग दैट मॉइस्ट फीलिंग कुड बी, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। सम विमेन ऑल्सो गेट रैशेज, स्किन इरिटेशन एंड इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इफ दे आर नॉट प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ द वजाइना एंड वजाइनल एरियाज। आप उस डिस्कम्फर्ट या इन्फेक्शन से बचने के लिए पीरियड्स के कुछ दिन पहले से पैंटी लाइनर्स पहन सकते हो। वो पैड जैसा सिर्फ दिखता है बट दे आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो बहुत पतला होता है एंड लिटरली हाथ के साइज जितना होता है। आप उसको आराम से 8 टू 12 आवर्स तक भी पहन सकते हो एंड रिमूव इट व्हेनेवर यू डोंट फील द नीड। नेक्स्ट इज, से बाय बाय टू स्वेट पैच ऑन गारमेंट्स। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पैंटी लाइनर्स, तो इनको यूज करने का एक और तरीका या हैक है जो काफी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। कभी कभी स्वेटिंग की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ड्रेसेस और फैब्रिक यू वेयर इन एनी सीजन, आपके अंडर आर्म में स्वेट आता है जिसकी वजह से वहाँ ऐसा पैच या स्टेन विजिबल होने लगता है। मैक्सिमम लोगों को वो बॉदर ही करता है एंड आपके गारमेंट का लुक भी खराब हो सकता है। सो एक ऑप्शन ये है कि आप रेडीमेड पैड्स आते हैं विच लुक लाइक दिस दैट आर स्वेट प्रूफ, वो आप अपने अंडर आर्म्स पे लगा सकते हो। बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बाई एनी अंडर आर्म पैड्स अलग से, तो आप अपने पैंटी लाइनर को इस तरह से अपने गारमेंट की स्लीव्स पे स्टिक कर सकते हो। इट विल अब्जॉर्ब ऑल द स्वेट एंड इज़ अ वेरी हाइजीनिक ऑप्शन एज वेल। फिर है, क्लीन योर मेंस्ट्रुअल कप द राइट वे। ये ऑफकोर्स उन लोगों के लिए है जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। आप मेंस्ट्रुअल कप को 6 to 8 आवर्स तक पहन सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लो, एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप दिन में मिनिमम 2 बार तो अपना कप चेंज करो ही, एंड अगर आपका फ्लो बहुत हैवी है तो 3 बार। पीरियड्स के बीच में आप नॉर्मली टैप वाटर से मेंस्ट्रुअल कप को अच्छे से वॉश करके रीयूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप कोल्ड वाटर से ही वॉश कर रहे हो। हॉट या बॉइलिंग वाटर से वॉश करके रीयूज़ मत करना। हॉट वाटर का रोल पीरियड्स की बिगनिंग एंड एंड में आता है। कैसे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सैनिटाइज द कप प्रॉपरली एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ योर पीरियड्स। सैनिटाइज मतलब उस पर लिटरली सैनिटाइजर नहीं डालना है, बट आप कोई अलग से यूटेंसिल लेकर उसमें वाटर फिल कर लो, उसको स्टोव पे रख कर बॉयल होने दो एंड देन स्विच द गैस ऑफ वंस द वाटर हैज़ बॉइल्ड। नाउ ड्रॉप द मेंस्ट्रुअल कप इन एंड टेक इट आउट आफ्टर 10 मिनट्स। डू दिस बिफोर एंड आफ्टर योर पीरियड्स। और अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में डिटेल में जानना है देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। फिर है, लर्न द राइट वे टू वाइप। आर यू वाइपिंग द एरिया डाउन द राइट वे? वेल, प्रोबेबली नॉट। वजाइना क्लीन करने का सही तरीका इज फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रॉम द वजाइना टू द एनस एंड नॉट द अदर वे राउंड। दिस इज बिकॉज अगर आप बैक टू फ्रंट वाइप करोगे तो बैक में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो आपके वजाइना तक ड्रैग होकर आ सकते हैं, जिससे वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इफ यू हैव बीन वाइपिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन देन इट्स टाइम टू चेंज। नेक्स्ट इज, चूज द राइट अंडरवेयर। राइट अंडरवेयर मतलब राइट मटेरियल। नो मैटर हाउ मच यू लव ब्यूटिफुल प्रिंट, सेक्सी लेस और दैट यूनिकली कट अंडरवेयर, इफ इट्स नॉट मेड ऑफ 100% कॉटन, इट्स नॉट गुड इनफ फॉर योर वजाइना। हाँ, कभी कभी किसी ओकेजन पे पहनना इज कम्प्लीटली फाइन, बट आपको डेली बेसिस पे ये मटेरियल्स बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो आपके वजाइनल एरिया पे इरिटेशन कॉज कर सकते हैं एंड कैन ट्रिगर शैफिंग एंड रेडनेस। डेली बेसिस पे कॉटन के अलावा और कोई मटेरियल रिकमेंडेड नहीं होता है, एज इट हेल्प्स टू अब्सॉर्ब द मॉइस्चर, स्वेट और डिस्चार्ज बेटर देन एनी अदर फैब्रिक। अगर आपको ये हैक्स यूजफुल लगे देन डू शेयर देम विद योर गर्लफ्रेंड्स टू स्प्रेड अवेयरनेस। नोइंग दीज ट्रिक्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.